अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10 मुहर्रम के दिन सोना खरीदना, अगर आप 10 मुहर्रम को सोना खरीदते हैं तो आपके माल के अंदर, घर के अंदर पूरे साल बरकत रहेगी। ये सवाल किया गया है कि अगर हम 10 मुहर्रम को सोना खरीदते हैं तो क्या आशुरा के दिन, 10 मुहर्रम के दिन अगर हमने सोना खरीदा तो क्या पूरे साल बरकत रहेगी। तो इसलिए अच्छे से इस बात को समझ लें कि 10 मुहर्रम को खरीदें या 11 को खरीदें या उस दिन खरीदें जिस दिन आप चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से कहीं तक ताल्लुक नहीं है। बल्कि इस सिलसिले में यह बयान फरमाया गया है कि कुरान और अहादीस मुबारका के अंदर कोई भी इस तरह की बात नहीं मिलती कि आप 10 मुहर्रम को, आशुरा को अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपके कारोबार में बरकत रहेगी या घर में बरकत रहेगी या सोने में बरकत रहेगी। तो ऐसा कोई अहादीस मुबारका में, कुरान में या सल्फ सालिहीन से इस तरह का कोई भी कौल नकल नहीं किया गया है। 10 मुहर्रम के अंदर कुछ लोग सुर्ख कपड़े पहनने को मना करते हैं या इसी तरह से सुर्ख चीज खाने को, जैसे पान है उसको खाने को मना करते हैं। इनका कहां तक ताल्लुक है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, बाज लोगों का जो ये नजरिया बना हुआ है कि सुर्ख रंग के कपड़े पहनना ये जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ये नजरिया गलत है। अगर कोई खातून है सुर्ख कपड़े पहनना चाहती है, पहन सकती है। इसी तरह अगर कोई आदमी है वो पान खाना चाहता है तो पान भी खा सकता है, कोई मसला नहीं है। इसलिए कि लोगों का नजरिया यह है कि इस मुहर्रम में, यानी मुहर्रम का जो महीना चल रहा है उसमें खास तौर पर 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाकया पेश आया, तो इसकी बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं कि सुर्ख कपड़ा जो है नहीं पहनना चाहिए, चूंकि वो खुशी की अलामत है। मुहर्रम के अंदर इसी तरह पान खाना ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आदमी पान भी जब ही खाता है। इसी तरह दूसरे और भी बहुत सारे गलत अकायद बयान किए जाते हैं जो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मुहर्रम के महीने के अंदर कुछ लोगों का नजरिया ये है कि मुहर्रम के अंदर काले कपड़े और सब्ज कपड़े पहनने चाहिए, यानी हरे कपड़े पहनने चाहिए। लोगों का नजरिया ये है, बयान ये करते हैं कि इस काले कपड़े पहनना और इसी तरह सब्ज कपड़े पहनना ये गम की अलामत है। तो क्या मुहर्रम के अंदर ऐसा करना चाहिए? याद रखें, शरीयत मुतहरा के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि आप काले कपड़े पहने, आप सब्ज कपड़े पहने तब जाकर के आपसे सोग दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। शरीयत के अंदर आदमी के लिए 3 दिन से ज्यादा, औरत के लिए 3 दिन से ज्यादा सोग जायज नहीं है। हाँ, वो औरत के जिसका शोहर वफात पा जाए तो वो 4 महीने 10 दिन अपने शोहर का गम कर सकती है, बाकी किसी के लिए भी 3 दिन से ज्यादा गम की, सोग मनाने की इजाजत नहीं है।